Hello student, from this video we are going to start a video lecture series on the unit water and fuel. So before starting the lectures, we started from the water. So water, या आप कह सकते हैं कि water technology आपके syllabus में है content. तो वाटर टेक्नोलॉजी बनने से पहले हम वाटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी अवेलेबल इन पोटेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है उसके बारे में जान लेते हैं. तो जो आपका पीने का पानी है या ड्रिंकिंग वाटर है इट शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड ऑडरलेस होना चाहिए. ठीक है, इसका टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए और जो इसका टेस्ट है जो बहुत ही प्लीजेंट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पीने में जो है ये अच्छा ना लगे. इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इम्प्यूरिटीज़. इसमें कोई भी हार्मफुल या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसमिशन का भी काम करता है. शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S गैसेस जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए. ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या आप जिन्हें कह सकते हैं पॉइजनस मिनरल्स होते हैं, लाइक लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मैगनीज हो गया, ये भी डिजॉल्व नहीं होने चाहिए पानी में जो आपका पीने का पानी है. पानी की जो टोटल हार्डनेस है, अब ये हार्डनेस क्या है और ये टर्म्स क्या है ये हम आपको इसके बाद स्टार्ट करेंगे. तो जो पानी की हार्डनेस है वो टोटल हार्डनेस 500 ppm से कम होनी चाहिए. क्लोराइड आयन या क्लोराइड कंटेंट पानी में 250 ppm पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए. ppm जो है वो यूनिट है हार्डनेस को मेज़र करने की. फ्लोराइड आयन कंटेंट जो है वो 1.5 ppm से कम होना चाहिए. एज़ यू नो दैट कि फ्लोराइड जो है वो डीकैल्सिनेशन का काम करता है जिसकी वजह से आपके जो टूथ एनेमल है वो डैमेज हो जाते हैं अगर फ्लोराइड कंटेंट इससे ज़्यादा होगा. टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो कंटेंट शुड बी लेस देन 500 ppm, इससे कम होना चाहिए. जितनी भी हार्डनेस है वो सब 500 ppm से कम होना चाहिए. pH जो है वो पानी का 6.5 से लेके 8.5 होता है, लेकिन 7 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. 7 का मतलब ये है कि पानी जो है वो आपका कैसा पानी है, डिस्टिल वाटर है, और डिस्टिल वाटर इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ वाटर फॉर पोटेबल या ड्रिंकिंग वाटर के लिए. ये जो इस पीएच का जो पानी होता है वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल हो जाती है. अब आते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था हार्डनेस ऑफ वाटर, जो बेसिक टर्म है या हार्डनेस है जिसकी वजह से आप पानी की क्वालिटीज़ को भी मेज़र कर रहे हैं. तो हार्डनेस है क्या, आप हार्डनेस को कह सकते हैं पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक है. ये इट इज़ डिफाइंड एज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर. यानी जो पानी सोप को कंज्यूम करके लेथर फॉर्मेशन या फोम या आप जिसे हिंदी में कहते हैं झाग बना लेता है वो पानी सॉफ्ट वाटर कहलाएगा. यानी उसने क्या किया है, सोप का कंजप्शन उतना ज़्यादा किया है. लेकिन अगर वो पानी ने सोप प्रोड्यूस नहीं, सोप के साथ रिएक्शन करके लेथर प्रोड्यूस नहीं किया है तो ऐसा पानी जो है वो हार्ड वाटर कहलाता है. ठीक है, अगर सोप कंज्यूम कर रहा है तो वो पानी कैसा कहलाएगा, वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा, और जो सोप कंज्यूम नहीं कर रहा है वो हार्ड वाटर कहलाएगा. जो पानी सोप कंज्यूम नहीं कर रहा है या हार्ड वाटर कहलाता है वो पानी लेथर फॉर्मेशन नहीं करता है. क्यों नहीं करता, देखिए ये आपका सोप है, ये सोप है, और जो आपके हार्डनेस कॉजिंग मेटल जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है मेजर फॉर्म में. तो कैल्शियम जो मेटल है ये इसका कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जब वो सोप के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम एस्टरेट में चेंज हो जाता है. ये जो है वो क्या होता है, स्कम फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो ये क्या नहीं करता, ये फोम प्रोड्यूस नहीं करता है. सो हार्डनेस ऑफ वाटर इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर. ये किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैगनीज मेटल. जो ये मेटल है, मेजर मेटल्स जो हैं वो हार्डनेस प्रोड्यूस करती हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन जो हैं वो माइनर फॉर्म में, ट्रेस फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं आपके पानी में, जो हार्डनेस प्रोड्यूस करती हैं.
अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस दो तरीके की होती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सॉफ्ट वाटर, तो सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर में कार्बोनेट हार्डनेस होती है, या ऐसे हार्डनेस को हम जिन सॉल्ट्स की वजह से होती है हम उसे हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और हार्ड वाटर यानी जिनमें, इसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है। तो हम इसे टेम्परेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं और ये कार्बोनेट हार्डनेस क्यों कहलाती है? ये जो बेसिकली हार्डनेस है ये प्रेजेंट होती है आपके वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल। यानी कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट जब अवेलेबल होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट्स हैं जिसकी वजह से हम इसे कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। और जब आप इसे बॉयल करोगे, देखिए CaSCO3 का होल टॉइस को हमने बॉयल किया है यानी हीट किया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बना और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का PPT बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपकी जो हार्डनेस थी वो किस फॉर्म में सेटल डाउन हो गई? कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गए और पानी में से आपके हार्डनेस कॉजिंग एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो गए। इस हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंट जो स्कम फॉर्म में सेटल डाउन हुआ है या PPT फाइंड आउट हुआ है, इसको आप फिल्टर आउट कर लेते हैं और पानी में से हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और जिस पानी में ये प्रेजेंट होती है हम उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन, जब इन मेटल्स के क्लोराइड और सल्फेट, जैसे क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, तो ये जो सॉल्ट हैं वो पानी में परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्योंकि क्लोराइड और सल्फेट है, इसमें कार्बोनेट जैसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और ऐसी हार्डनेस को आप बॉयल करके रिमूव नहीं खत्म कर सकते हैं, या तो ऐसे पानी में जिसमें यह हार्डनेस प्रोड्यूस होती है या प्रेजेंट होती है, ऐसे वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। इस हार्डनेस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को? इट कैन बी रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, RO प्रोसेस। ये जो है प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू आप जो है परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस। अब भाई आपके हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो हैं वो पानी में कुछ या बहुत सारे जो हैं वो डिजॉल्व ही होते हैं, तो हम उनको कन्वर्जन करते हैं इन विद रिस्पेक्ट ऑफ CaCO3। अब CaCO3 के रिस्पेक्ट में ही क्यों करते हैं कन्वर्जन, ये हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी मेजर हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट? द आंसर इज दैट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो क्या है, 100 है, और कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपके घर में ग्रेनाइट है, पत्थर जो है, या फिर कोई भी चॉक ले लीजिए, वो पानी में आप डिजोल्व करिए, कुछ टाइम तक तो वो आपको चॉक पाउडर लगेगा कि डिजोल्व हो गया, जैसे आप पानी को सेटल डाउन करेंगे नीचे बैठ जाएगा। तो जो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से जितनी भी हार्डनेस हैं वो हम इसके रिस्पेक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट जो हमेशा मेज़र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में मेज़र होता है। द फर्स्ट रीज़न इज़ द मोलर मास इज 100 एंड द मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, दैट्स वाई वी मेज़र हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब आता है कि वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्डनेस, वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्डनेस? तो हार्डनेस का जो फॉर्मूला है, अगर हम आपकी की जितनी भी हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट निकाली जाती है, तो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये आपका हार्डनेस का फॉर्मूला है। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस, PPM, mg पर लीटर, डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच।
तो पार्ट्स पर मिलियन में वन पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व इन 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। डिग्री क्लार्क यानी ए वन पार्ट ऑफ हार्डनेस इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, और यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी 10^5 पार्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम इनका इंटर रिलेशन निकालें तो 1 पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू 1 mg/L इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच एंड 0.07 डिग्री क्लार्क। ये इंटर रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से ही आप कन्वर्जन करेंगे हार्डनेस का। अब जो टोटल हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, दोनों तरीके के हार्डनेस को जब हम जोड़ लेते हैं तो आपको आपके वाटर सैंपल में टोटल हार्डनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिजॉल्व पर लीटर गिव्स 84 ppm ऑफ हार्डनेस, यानी कि हम पानी में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट डिजॉल्व करें कि पानी जो है वो 84 ppm की हार्डनेस पर लीटर देने लगे। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहले तो ये चेक करना है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। डेफिनेट सी बात है, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोड्यूस द हार्डनेस, तो ये प्रोड्यूस करता है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ MgCO3। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपका सब्सटेंस है जिसका इक्विवेलेंट आपको फाउंड करना है, तो मास ऑफ सॉल्ट आप उस सब्सटेंस का मोलर मास निकाल दीजिए और उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। अब मोलर मास कैसे निकालते, देखिए ये सबके कैल्शियम का 40 होता है, मैग्नीशियम 24, क्लोरीन अगर एक एटम है तो 35.5, H1 ऑक्सीजन 16, मॉलिकुलर वेट हैं ये इनके। और एन फैक्टर क्या होता है, जो भी आपका सॉल्ट उसका कैटायन देखिए और कैटायन पे चार्ज क्या है, या फिर एनायन पे टोटल चार्ज क्या है। हमने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, आपका क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाला, मैग्नीशियम यहाँ से लिया 24, कार्बन जो है वो आपका क्या है 12 है, ऑक्सीजन जो है वो 16 है और CO3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 84 आ गया। अब आते हैं एन फैक्टर, तो Mg पे +2 का चार्ज होता है, CO3 पे जो है वो -2 चार्ज होता है। तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका MgCO3 का इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, 84 / 2, तो ये निकल के आया 42 निकल के आया। तो अब आपने हार्डनेस, आपके पास किसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, आपके पास इक्विवेलेंट आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो हार्डनेस मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हमसे पूछा, तो हमें मास ही नहीं पता है, तो मास ये इधर गया और हार्डनेस इधर आ गई, 1 लीटर में 84 ppm हार्डनेस। तो 84 ppm हार्डनेस इंटू 50 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है और 42 हमने फाइंड आउट किया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो आंसर आया 100 ppm। अब अगर मिलीग्राम पर लीटर में आंसर पूछा जाता तो 1 ppm इक्वल टू 1 mg/L, ये हमने यहाँ से पता ही है। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 100 mg/L। तो हम 100 मिलीग्राम 1 लीटर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन पानी में 84 ppm के इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा।